आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी। एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और विषय के बारे में लेकर। जिस तरीके से आप लोग सब जानते हैं कि श्राद्ध जो है शुरू हो गए हैं, जो पितृपक्ष के जो ये दिन होते हैं 15 दिन, ये हमारे पूर्वजों के जो पधार चुके हैं उनके दिन होते हैं। इस बारे में आज मैं आपको एक जानकारी लेकर जो है आई हूँ। एक प्रश्न जो है मेरे पास आ रहा था, जिसे मुझे लगा कि हाँ ये तो काफ़ी लोग सोचते थे, पहले मैं भी सोचती थी कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, और कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने सोचा कि इस पर तो वीडियो बनानी चाहिए। तो इस विषय में आज मैंने वीडियो बनाई है कि जो श्राद्ध में जो पूर्वजों के लिए जो खाना, जो मेन जो खाना निकाला जाता है, जो जिस दिन जिसका भी श्राद्ध होता है उस दिन उनके लिए जो है खाना निकाला जाता है, उसको निकाल के किसी गाय को, कौवों को आदि को, पशुओं को जो है उनके नाम का जो है खाना जो है दिया जाता है, और वो पहुंचता है वहाँ तक, उनके पितृलोक तक वो खाना जो है उन तक पहुँचता है और उनकी मदद करता है वहाँ पर जाकर, ऐसा जो है शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन अब एक प्रश्न ये उठता है, तो भाई खाना तो खिलाया जाता है पूर्वजों को इन दिनों में, लेकिन जो जिनके यहाँ पर ठाकुर सेवा होती है, जो लोग ठाकुर सेवा करते हैं उनको भोग लगाने के बाद ही जो है कुछ खाते हैं, तो वे इस दौरान इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि जो श्राद्ध में जो पितरों का जो खाना जो है निकाला जाता है वो पहले निकाला जाए, या ठाकुर जी को पहले निकाला जाए फिर उसमें से पितरों का निकाला जाए, या सबसे पहले पितरों का ही निकालना जो है उचित होता है। इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है कई लोगों के मन में है, और मेरे मन में भी थी लेकिन अभी नहीं है, वही मैं अब आपको बता रही हूँ। और बताऊँगी किस बेस पर, हमारे ठाकुर की वाणी यानी श्री गीता के बेस पर ही मैं आपको कुछ बताऊँगी, ऐसी अपनी तरफ से कुछ अनगणन नहीं बताऊँगी। तो गीता में जो है लिखा हुआ है, हमारे जो ठाकुर जी की साक्षात जो वाणी है उनकी वाणी में जो है वो लिखा हुआ है, वो खुद अपनी वाणी से कह रहे हैं कि जो पितृ, कुछ श्लोक मैं आपको बताऊँगी जिसका भावार्थ जो है ये है कि ठाकुर जी ने गीता में कहा है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो लोग भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं, टोने टोटके करते हैं, वो भूत प्रेत की योनि को उनको प्राप्त होते हैं, और जो लोग पितरों की आदि पूजा करते हैं उनको पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो लोग मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। ये ठाकुर जी ने गीता में लिखा है। आप कोई सी भी गीता उठा कर देख सकते हैं, उसमें ये श्लोक का सीधा सीधा जो है अर्थ जो है लिखा हुआ है। और तो एक बात तो इससे प्रूफ हो जाती है कि सबके मूल स्वरूप जो है ठाकुर जी हैं। ये मैं कई बार अपनी वीडियोस में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो मूल हैं, जो जड़ हैं सबकी, चाहे वो देवी कोई और देवी देवता हो, चाहे कोई पितृ आदि हो, कुछ भी हो, सबका जो जड़ है, जो सब पर जल है, वो सारा जड़ हमारे ठाकुर जी में ही है। और भगवान ने ये भी गीता में कहा है कि जो जिस देवी देवता की पूजा करता है या पितृ की पूजा करता है मैं उसकी श्रद्धा उसी में ही स्थिर करता हूँ, मैं ही उस श्रद्धा को स्थिर करने वाला हूँ, यानी कि मेरे अलावा कि मैं ही, मेरी इच्छा से वो किसी का भक्त बनता है या उसकी पूजा करता है या उसका विश्वास उसमें दृढ़ होता चला जाता है, मेरी ही वजह से ऐसा होता है। इससे साफ साफ क्लियर होता है। सीधे अपने वीडियो के टॉपिक पर आऊँगी कि पहले हमें जो है जिस तरीके से हम रोज़ निकालते हैं, हमें ठाकुर जी का ही भोग, पहले ठाकुर जी को ही जो है भोग जो है बनाकर देना चाहिए, उन्हें ही अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही किसी और को, किसी पितृ को, किसी और देवी देवता को या किसी और को जो है देना चाहिए। क्योंकि पहले अर्पित करने से क्या होता है, उससे पहले वो होता है खाना, और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद वो बन जाता है प्रसाद, महाप्रसाद। जो भोग है पहले ठाकुर जी को अर्पित करेंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, और वो प्रसाद जो है जब फिर हम अगर पितरों के लिए जो है निकालेंगे उसमें से, तो पितरों को भी ठाकुर जी स्वयं श्री हरि नारायण का जो है उच्छिष्ट भोजन यानी कि भोग जो है महाप्रसाद उनको वो प्राप्त हो सकेगा, उनको ये अवसर मिल सकेगा जो उनको जीते जी अवसर नहीं मिल पाया, वो उनको वहाँ पर जो है ठाकुर जी का महाप्रसाद का भोग जो है मिलेगा। तो भाई इस प्रकार जो है आप अपने पितरों को जो असली सुख, जो असली जो उनके ये जो अच्छी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कल्याणकारी, अगर इन दिनों अगर करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा कल्याणकारी परलोक के स्थिति में
कुछ नहीं हो सकती। जो चीज़ उनको जीते जी नहीं मिल पाई वो आप उनको ठाकुर जी का महाप्रसाद महाभोग जो है उन पितरों को जो है अर्पण करेंगे, तो उनकी बहुत ज़्यादा दुआएं आपको लगेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, खुद तो ठाकुर जी का हरी का प्रसाद खाएं ही, और अगर किसी अपने पितरों को भी ये जो है अर्पित करें, इससे उनकी आत्मा को काफ़ी शांति मिलेगी, काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। आप जानते हैं, मैं आपको एक अगर स्टोरी सुनाऊँ, स्टोरी नहीं एक सत्य घटना बता, एक संत ही मुझे सुना रहे थे। वे बता रहे थे कि एक बार एक आत्मा को नर्क में जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, उसने काफ़ी ऐसे कर्म किए थे जिससे उसको नरक में यातनाएं जो हैं दी जा रही थी, काफ़ी वैसे गंदे कर्म थे उसके, जिसकी वजह से उसको वैसी प्रताड़नाएं दी जा रही थी, प्रताड़ित उसको किया जा रहा था कि उसको गर्म, उसको गंदे मल मूत्र के और पस के जो है कुएं में उसको उल्टा करके डुबोया जाता और फिर निकाला जाता, फिर उसको डुबोया जाता फिर निकाला जाता ऐसे उसको। तो इसी प्रकार उसको कई समय से उसको किया जा रहा था, उसका कोई इसी अनुसार कोई कर्म था, तो इसको इतनी यातनाएं जो है दी जा रही थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, एक दूसरी जीवात्मा उसको देख रही थी। तो वो क्या कर रहा था, जब भी उसको नीचे डुबो कर निकाला जाता वो पूरी तेज हंसता हा हा करके बहुत खुशी से और ठहाके मार मार के हंसता, और फिर उसको डुबा जाता फिर निकाला जाता वो फिर ठहाके मार मार के हंस रहा था। तो ये देख करके एक जीवात्मा बहुत ही ज़्यादा अचंभे में हुई कि ऐसा ये इसको इतनी यात्रा दी जा रही है और वो इस फिर भी इतनी यात्रा सहने के बाद भी वो इतना खुश कैसे है और इतना खुश क्यों है और इतना क्यों हंस रहा है। तब जो यम के जो दूत हैं जो उसकी सेवा में लगे हुए थे, यमराज जी की जो सेवा में वहाँ यमलोक में थे, तो उन्होंने उसको बताया कि कल दो दिन बाद जो है इसका जो वंश था, इसके जो परिवार में जो है एक जो है हरि भक्त जो है पैदा होने वाला है दो दिन बाद, तो जिसकी वजह से इसको जो है यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी और ये प्रभु के जो है धाम में चला जाएगा। ये बात जान करके ये बहुत प्रसन्न हो रहा है कि बस दो दिन और हैं फिर मुझको प्रभु के धाम में जो है पहुँचा दिया जाएगा। किस वजह से, क्योंकि एक हरि भक्त जो है इसके घर में जो है इसकी वजह से इसके वंश में जो है पैदा होने वाला है आने वाला। हाँ, ये तो कहा ही जाता है कि अगर किसी उसमें भगवत प्राप्त हरि भक्त अगर किसी परिवार में पैदा हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियाँ जो हैं तर जाती हैं, 21 पीढ़ियाँ पहले की 21 पीढ़ियाँ आगे की। तो इतना ज़्यादा एक हरि भक्त जो है कल्याण जो है कर सकता है अपने पूर्वजों का भी, कि इतना आप वैसे भी पिंडदान आदि ये सब पूजा पाठ कर्मकांड तो है ही, लेकिन इनसे असली कल्याण एक जीवात्मा का नहीं हो पाता, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ वे भटक रही हैं, किस कारण भटक रही हैं। अगर आप एक भगवत भक्त बन जाते हैं और ठाकुर जी के भक्त बन जाते हैं और उनको प्राप्त करते हैं, तो आपकी 21 पीढ़ियाँ जो हैं जो पीछे भटक रही हैं और आने जो वाली हैं वे जो हैं ठाकुर जी के धाम चली जाएंगी केवल आपके कारण। तो इतना कल्याण आप उनका कर सकते हैं, इतना वैसे भी इन श्राद्ध आदि से भी नहीं कर सकते, तो इतना ज़्यादा जो है बेनिफिट है ठाकुर जी के भक्त होने का। मेरे साथ भी ऐसी कई स्वप्न आदि में मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, जो मेरी दादी थी या कोई, मुझे कई बार वो स्वप्न में जो है उन दिखाई दी और मैं देख रही हूँ वो खड़ी होकर, और मैं सिर्फ अपना जो नाम जो है मुझे दिया गया है वो मैं जो जपती रहती हूँ चलते फिरते, वो मैं उनके सामने जो है बोल रही हूँ जप रही हूँ, और वो सुनने के लिए उसको तरस रही हैं कि किसी तरीके से वो जो मैं बोल रही हूँ जो मंत्र वो उनके कान में पड़ जाए। इस तरीके के स्वप्न के अनुभव से जो है मुझे ये सब चीज़ें महसूस होती हैं, और जो ठाकुर जी ने गीता में जो लिखा है इन सब चीज़ों से मुझे ये चीज़ें महसूस होती हैं, और संतों की वाणी से कि हाँ जो कल्याण हम ठाकुर जी का भक्त होकर के अपने पूर्वजों का कर सकते हैं वो और किसी चीज़ से नहीं कर सकते। तो भाई गोविंद के चरण पकड़े रखें और कहीं इधर उधर ना भटके, केवल केवल उन्हीं का ही पीला पीताम्बर जो है पकड़े रखो, जैसे छोटा बच्चा पकड़ लेता है और उसको छोड़ो मत कि नहीं अब तो हम तुम्हारे ही हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे, तो इस तरीके से उनका पीछा मत छोड़ो, वे आपका हाथ साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जल्दी हूँ आज की वीडियो में इतना ही, और जानकारी लेकर जल्द आऊँगी आपके पास, और अब मुझे आज्ञा दीजिए चलती हूँ। हरे कृष्णा। Thank you.